गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही होगी जो अंडरग्राउंड माइन के लिए जो कोयला काटने और बेल्ट में लोड करने वाली जो इक्विपमेंट है जिसका नाम सीयरर है, जो ECL के झांझरा प्रोजेक्ट में चलाई जा रही है, साथ ही BCCL के मुनिडीह माइंस में चल रही है सक्सेसफुली और कई जगह इसके प्लान किए जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज सीरर के बारे में इसके कंपोनेंट और इसके कंपोनेंट के प्रत्येक कंपोनेंट के फंक्शन के बारे में जानते हैं। जैसा आपको आप फिगर में दिखाई दे रहा होगा, इसको तीन यूनिट में, पहले तो ये जान लीजिए आप कि ये जो सीरर होती है, ये सीरर स्कीड प्लेट पर माउंटेड होती है, स्कीड प्लेट पर माउंटेड होती है और वो प्रोवाइडेड होता है बियरिंग पैड से। जो फिगर में मैं अभी दिखाने का प्रयास कर रहा था, तो वो बियरिंग पैड से प्रोवाइडेड होती है और वो रेस्ट करती है AFC के ऊपर, आर्मर्ड फ्लेक्सिबल कन्वेयर पर, आर्मर्ड फेस कन्वेयर पर, और उसी पर मूव करके आगे पीछे कोयला का कटिंग करती है और कोयला AFC के ऊपर गिरते हुए फेस से बाहर की ओर आता है। तो ये सीयरर जिसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं, उसके पहले आप लोग मिश्रा सर माइनिंग क्लास की YouTube चैनल को लाइक करते हुए सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। तो इसमें जो मैं कंपोनेंट दिखाने का प्रयास किया हूं, इसको तीन मेन यूनिट में डिवाइड किया गया है। एक जो है कटिंग यूनिट कहलाता है, जो आपको ये दिखाई दे रही है ड्रम के साथ, कटिंग ड्रम के साथ जो कटिंग पिक्स लगे रहते हैं वो असेंबली कटिंग यूनिट कहलाती है। या दूसरी जो यूनिट होती है, दोनों तरफ में आपको एक ये जो यूनिट है कटिंग ड्रम के साथ जो कटिंग यूनिट कहा जा रहा है, ये दोनों इंड पर लगी हुई है, जिसके कारण से डबल इंड वाला सीयरर कहा जाता है, डबल इंडेड रेंजिंग ड्रम सीयरर, जिसमें रेंज कहा जाता है। इसलिए ये जो पांचवा नंबर आपको दिखाई दे रही है, ये आपका रेंजिंग आर्म कहलाता है, जो कि कटिंग ड्रम वाली पूरी यूनिट को ऊपर नीचे करने का काम करती है। और ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ब्लैक कलर से दिखाई दे रही है, ये 90 डिग्री तक जो कटिंग यूनिट है उसको, यानी कटिंग ड्रम है उसको ऊपर उठाती है। और ये अगर हेडर ड्रम है, हेडर ड्रम यानी आगे वाली अगर ड्रम कहा जाए ये है, तो ये रूफ के पास के कोयले को काटते हुए जाती है। अगर सीम हाइट 3 मीटर की है तो उस केस में ये 1.5 मीटर की हाइट को काटते हुए आगे की बढ़ती है, और जो नीचे वाली 1.5 मीटर सीम की हाइट का जो 1.5 मीटर पोर्शन है, ये रियर यूनिट यानी पीछे वाला ड्रम का यूनिट जो है कटिंग करते हुए कोयला को AFC में गिराती है। तो चलिए इसका जो नंबरिंग के साथ जो हम लोग कंपोनेंट की बात किए हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं, जिसमें से 1 नंबर आपको दिखाई दे रही है, ये जो है इलेक्ट्रिक मोटर है। ये इलेक्ट्रिक मोटर क्या सप्लाई करेगी? पावर सप्लाई करेगी। मैं यहां पर लिखा हुआ सप्लाई पावर टू दी गियर हेड, यानी कि गियर हेड को जो आपको दिखाई दे रही है 4 नंबर, यहां 4 नंबर, ये इसको जो है पावर सप्लाई करती है। तो आपने 1 नंबर जान लिया जिसमें जो है मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। चलिए दूसरे नंबर पर आते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम। जो दूसरा नंबर आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोलिक सिस्टम होती है। क्या हाइड्रोलिक सिस्टम के अंतर्गत में आपको पावर पैक आती है, पावर पैक के साथ ही जो है पंप बॉक्स आता है, गियर बॉक्स आता है। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 नंबर में जो गियर बॉक्स के नाम से जाना जा रहा है, जिसको लिखा गया है हॉलेज गियर बॉक्स, तो ये जो है कौन सी सिस्टम के अंतर्गत आ रही है? हाइड्रोलिक सिस्टम के अंतर्गत आ रही है, जो कंटेन करके इनबॉक्स करके जिसके अंदर हाउसेस रहती है। तो यहां मैं लिखा हूं गियर बॉक्स हाउसेस द मेन पंप ड्राइव। ये जो गियर बॉक्स है दूसरी नंबर की, ये मेन पंप ड्राइव को हाउसेस करके रखी रहती है, अपने अंदर समाहित करके रखी रहती है। चलिए दूसरी नंबर आप जान गए, हाइड्रोलिक सिस्टम, पंप बॉक्स और गियर बॉक्स हो गई। और यहां तीसरी नंबर जो गियर बॉक्स है ये क्या कर रही है, ये जो मैं यहां से एरो मार्क से दिखाया हूं, हॉलेज गियर बॉक्स चेन होल्ड मशीन के नाम से जाना जाता है, जो कि हाउसेस करती है मेन पंप ड्राइव को। तो 3 नंबर कंपोनेंट के बारे में आप जान गए। यहां पर 4 नंबर, दोनों एंड में जो 4 नंबर कंपोनेंट है, ये जो 4 नंबर कंपोनेंट है इसको हम लोग कहते हैं गियर हेड, गियर बॉक्स।
गियर हेड, गियर बॉक्स, ये करती क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक मोटर दिखाई दे रही है यहां से पावर को लेती है और रेंजिंग ड्रम के थ्रू पावर को ट्रांसमिट करती है। तो गियर हेड, गियर बॉक्स विच टेक द ड्राइव्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर टू द रेंजिंग ड्रम, यानी कि रेंजिंग ड्रम तक पावर को ट्रांसमिट करने का काम करती है गियर बॉक्स। तो आपने ये जाना जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स विच टेक्स द ड्राइव्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर टू द रेंजिंग ड्रम, दे हाउसेस द ट्रेन ऑफ गियर्स एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ द ड्रम, जो कटिंग ड्रम होती है उसकी स्पीड को कंट्रोल करने का काम करती है। हम ये डाउन करके उसकी स्पीड को 19 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट तक कर देती है। तो ये हो गई आपकी गियर हेड, गियर बॉक्स, जो चौथे नंबर की है, दोनों इंड पर लगी हुई है, गियर हेड, गियर बॉक्स। ये क्या करती है, टेक द ड्राइव्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर टू द रेंजिंग ड्रम, दे हाउसेस द ट्रेन ऑफ गियर्स एंड कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कटिंग ड्रम। तो ये आपने चार नंबर जान गए। अब ये दोनों एंड पर आपको पांच नंबर का कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, पांच नंबर का कंपोनेंट। ये पांच नंबर का कंपोनेंट मैं पहले भी बता चुका था कि रेंजिंग आर्म के नाम से जानी जाती है। और ये क्या कंटेंट करके रखती है अपने अंदर में, ये गियरिंग और गियरिंग कंटेंट करके रखती है। ये क्या करती है, और साथ में ट्रांसमिट द पावर फ्रॉम 4 to 12, यानी कि गियर हेड, गियर बॉक्स से पावर को लेती है और कटिंग ड्रम जो 12 नंबर दिखाई दे रही है, कटिंग ड्रम तक पावर को ट्रांसमिट करती है। साथ ही और क्या करती है, जो कटिंग ड्रम है उसको रेज्ड करती है और लोवर्ड करती है। रेज्ड करना और लोवर्ड करना का काम रेंजिंग आर्म का ही रहता है, इसके कारण से इसको हम लोग जो है क्या कहते हैं, रेंजिंग आर्म कहते हैं, रेंज करना, ऊपर नीचे करना। तो ये पांचवा नंबर आप लोग दोनों जान गए, जो दोनों इंड में दिख रही है आप लोगों को। अब इसके साथ हम लोग आते हैं छठवें नंबर पर। ये जो छठवां नंबर आपको यहां दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये रेडियो कंट्रोल बॉक्स है। हम लोग दूर से ही एक आदमी उसको ऑपरेट करके जितना कटिंग करना है, आगे बढ़ानी है, पूरी फंक्शन को ऑपरेट करने का काम करता है, जिसको रेडियो कंट्रोल बॉक्स कह रहे हैं, जो दूसरे नाम से भी बोला जाता है एडेप्टर बॉक्स विथ टू मोटर, जो एडेप्टर बॉक्स के साथ दो मोटर लगी रहती है। तो ये आप लोग छठवें नंबर जान गए। सातवां नंबर मैं यहां पर दिखाना चाह रहा हूं, जो बैक साइड में रहती है, ये पावर पैक है। ये पावर पैक क्या करती है, पावर पैक का काम है पावर ट्रांसमिट करना, किसके थ्रू, हाइड्रोलिक फ्लूड के थ्रू। तो ये पावर पैक के अंदर में एक कंटेनर रहता है जिसके अंदर हाइड्रोलिक फ्लूड जो है भरी रहती है, हाइड्रोलिक ऑयल भरी रहती है। तो पावर पैक के बारे में लिखा हुआ है सातवें नंबर में, सप्लाई हाइड्रोलिक पावर, ये सप्लाई करता है हाइड्रोलिक पावर को, जिसके अंदर में हाइड्रोलिक मोटर भी कंटेन रहती है। इन द ट्रैक्शन यूनिट में ये हाइड्रोलिक पावर को ट्रांसमिट करती है, सप्लाई द हाइड्रोलिक पावर इन द ट्रैक्शन यूनिट विच में बी, जो कि अंडर फ्रेम माउंटेड, ये आठ नंबर आपको दिखाई दे रही है, ये अंडर फ्रेम है, अंडर फ्रेम माउंटेड ऑन द चेनलेस हॉलेज ट्रैक्शन यूनिट, जो चेनलेस हॉलेज ट्रैक्शन यूनिट के अंदर में माउंटेड रहती है। तो ये अंडर फ्रेम रहती है माउंटेड, और या तो इंड माउंटेड रहती है, जो आपको नौवें नंबर में मैं यहां दिखा रहा हूं, अंडर फ्रेम माउंटेड होगी या तो इंड माउंटेड चेनलेस हॉलेज ट्रैक्शन यूनिट, CLHTU में लिखा हूं, चेनलेस हॉलेज ट्रैक्शन यूनिट के नाम से जानी जाती है। तो इंड माउंटेड होगी और या लोकेटेड होगी कहां पर, इन द इंटरमीडिएट बॉक्स, दसवां नंबर में आपको दिखाई दे रही है कि ये इंटरमीडिएट बॉक्स है जो चेनलेस हॉलेज ट्रैक्शन यूनिट के साथ समाहित रहती है। तो आपने ये जाना दस नंबर तक का कंपोनेंट। मैं ग्यारहवां नंबर कंपोनेंट अगर मैं दिखाने का प्रयास करूं थोड़ा सा ऊपर करके, तो ये जो ग्यारहवां नंबर कंपोनेंट है, आप इसको अनुमान लगाइए, जैसे आपके लंप ब्रेकर जो कि आपका साथ में जो कंटिन्यूस माइनर में भी लंप ब्रेकर रहती है, तो वो लंप यानी कि बड़े जो कोयले
कट के गिरे रहते हैं उनको ब्रेक करने के लिए एक इक्विपमेंट हम लोग साथ में रखते हैं जो अटैच्ड होती है सीरर के साथ ही, वो लंप ब्रेकर कहलाती है। तो लंप ब्रेकर और चेन हॉलेज एंड चेनलेस मशीन दोनों के साथ ये जो असेंबली रहती है, कौन? लंप ब्रेकर। 11वां नंबर आप लोग देख लिए। 12वां नंबर जो आपकी कटिंग ड्रम, मैं बता चुका हूं कि 12वां नंबर में कटिंग ड्रम है जिसके साथ कटिंग पिक्स लगी रहती है। और ये 13वां नंबर आपको दिखाई दे रही है, 13 नंबर का जो इधर भी है 13 नंबर, इधर भी 13 नंबर है, ये पावर COWL कॉल के नाम से जानी जाती है। पावर कॉल जो कोयले को कलेक्ट करके फॉल होने से रोकता है, कोयले को नीचे गिरने से रोकता है। और इसके साथ एक प्लाउ लगी रहती है, प्लाउ जो अटैच्ड रहती है वो डिफ्लेक्ट करती है कटे हुए कोयले को और सीधे जो है जो AFC होती है उसमें ट्रांसमिट कोयले को फ्लो होने देती है। AFC के थ्रू जो है ये फ्लो होते हुए चली जाती है। तो 13 नंबर तक आपने जान लिया, कोल प्लाउ के कोल पावर्ड कोल के साथ कोल प्लाउ भी यहीं पर अटैच्ड रहती है जो डिफ्लेक्ट करती है कोयले को, कटे हुए कोयले को कहां पर पहुंचाती है, AFC में पहुंचाती है। अब आपकी 14वां नंबर, 14 नंबर जो है आखिरी जो पार्ट है जो कि अंडर फ्रेम रोल स्टीयरिंग के नाम से जानते हैं, ये पूरा बेस प्रदान करती है। अब आपने ये देखा जाना कि कैसे जो है इसके कंपोनेंट्स के अलग अलग भागों को हमने देखा है, फिर से इस पिक्चर में देखने का प्रयास कीजिए। मैं तोड़ तोड़ करके अभी बोर्ड में बताया, यहां पर मेरे कर्सर के साथ आप अगर नजर को मूव करिएगा तो आप देखिए 3D में ये पिक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूं, जो कि फ्रंट ड्रम यानी आगे आगे जो ड्रम लगी रहती है जिसके साथ ये शाफ्ट लगी रहती है, ये शाफ्ट को हम लोग आगे पीछे करके ये जो ड्रम होती है जो कि 0.6 मीटर तक का फेस में घुस करके इसके पिक्स जो है वेव जिसको बोलते हैं WEB 0.6 मीटर का वेव कटिंग करते हुए जो है आगे की ओर बढ़ती जाती है। तो इसको हम लोग फ्रंट ड्रम कह रहे हैं और इसी के साथ पूरी कटिंग यूनिट जिसको कहा जाता है वो आपकी लगी हुई रहती है। तो ये फ्रंट ड्रम देख लिया आपने, फ्रंट ड्रम के साथ ही जो है यहाँ पर इसको कटिंग ड्रम भी आप कहते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट ये लगी हुई है जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट प्रदान करती है। ये आपने 5वां नंबर देखा था जो कि क्या कहला रही थी, रेंजिंग आर्म कहला रही थी। रेंजिंग आर्म जो है 90 डिग्री में, यानी कि इसको हॉरिजॉन्टल अगर आप ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो इसके 90 डिग्री में ये जो है मूव कर सकती है वर्टिकल प्लेन में, ऊपर नीचे जो है कटिंग ड्रम को कर सकती है। और ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट है जो कि शाफ्ट को कोयले के अंदर फेस पर जो है 0.6 मीटर गहराई तक कटिंग करने का काम करती है। अब आइए आप फ्रंट रेंजिंग ड्रम आर्म आपने इसको कह दिया, यहां पर जो है फ्रंट वॉकिंग यूनिट है, ये जो आगे की यूनिट है जो आपको जो सीरर पर माउंटेड होती है, जैसे कि मैं पहले कह दिया था कि जो सीरर है वो स्कीड प्लेट पर माउंटेड होती है और प्रोवाइडेड विथ होती है बियरिंग पैड विच रेस्ट ऑन द AFC के ऊपर जो है ये पूरी असेंबली रेस्ट करती है। तो आप ये जो देख रहे हैं फ्रंट सपोर्ट यूनिट है, इसका जो फ्रेम है मेन फ्रेम है जिसको आप अंडर फ्रेम रोल स्टीयरिंग कहते हैं, वो बोर्ड के अंदर आपने देखा था फ्रंट अंडर फ्रेम रोल स्टीयरिंग जो होती है उसके सपोर्ट के लिए फ्रंट सपोर्ट यूनिट लगी रहती है। और यहां पर पीछे में जैसे आगे में फ्रंट वॉकिंग यूनिट देख रहे हैं, यही इसी तरह से रियर वॉकिंग यूनिट रहती है जो कि एक तरह से AFC के ऊपर माउंटेड होती है बेयरिंग पैड के साथ में, स्किड प्लेट के साथ में, और इसी कारण से ये जो है AFC के ऊपर आगे पीछे रन कर पाती है, इसलिए इसको पीछे रहने के चलते रियर वॉकिंग यूनिट कहा जाता है। जैसे आगे आपने देखा कि फ्रंट सपोर्ट यूनिट थी, उसी तरह से ये पीछे में जो है आपका रियर सपोर्ट यूनिट है। और ये जो असेंबली है जिसमें आप रियर वॉकिंग यूनिट कह रहे हैं, इस रियर वॉकिंग यूनिट के ऊपर में ही रियर हॉलेज यूनिट रहती है, पीछे वाले पोर्शन को ये हॉलेज प्रदान करने का काम करती है। उसी तरह से यहाँ पर जो है फ्रंट हॉलेज यूनिट है जो कि आगे वाले के हॉलेज करने का काम करती है। ये सीयर बॉडी जो है रेस्ट करती है आपका अंडर फ्रेम रोल स्टीयरिंग के साथ में।
यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके आगे जो आपकी रियर हॉलेज यूनिट के आगे में जो लगी रहती है, इसके साथ पीछे कहा जाए, पीछे में जो लगी रहती है वो रियर रेंजिंग आर्म, जो पांच नंबर आपने देखा था, ये भी पांच नंबर है, ये भी पांच नंबर का पार्ट आपने देखा बोर्ड में, तो इसके साथ आपकी रियर ड्रम लगी रहती है और जैसे आगे में मैं बताया हूँ उसी तरह से इसमें भी लगी रहती है। तो यहाँ पर अगर आप कहा जाए कि जो डीजे देशमुख साहब की बुक है उसमें आप अगर देखते हैं तो बहुत सारे इसके जो डिटेल्स हैं कटिंग यूनिट की, उसको हम लोग उसमें स्टडी करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर आप देखे जो उसको मैं बताया हूँ इस फिगर में, उसके पूरे को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है बोर्ड के ऊपर। अब अगर मैं बात करूँ इस के तीन यूनिट की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें लिखा हुआ है क्या चीज़ कि मेरे कर्सर के साथ अगर नज़र मूव करिएगा तो आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से विजिबिलिटी बने। तो यहाँ पर जो इसकी वजन जो होती है, इसकी जो लंबाई होती है और वजन होती है, आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मैं मेरे कर्सर पर ध्यान दे रहे होंगे तो ये 15 मीटर लंबाई की लगभग रहती है और इसकी वजन जो होती है 90 टन होती है। मेरे कर्सर के साथ अगर आप नज़र मूव कर रहे होंगे तो ये 90 टन वजन की होती है। इसकी जो ट्रेवलिंग स्पीड होती है, जो ऑस्ट्रेलिया की है स्पीड बताई जा रही है, ये जो AM 500 है उसकी 10 से 15 मीटर पर मिनट होती है। और ये जो नाउ इज रिपोर्टेड केस ऑफ 45 मीटर पर मिनट एट 20 माइल कॉलरी इन द यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट में 45 मीटर पर मिनट की स्पीड से रन करने के। तो यहाँ पर तीन बातें आप याद रखिए, 15 मीटर लंबा, 90 टन का वजन, 10 से 15 मीटर जो मीटर पर मिनट की स्पीड से ये रन करती है, जो ट्रेवलिंग स्पीड है इसकी, और जो ऑस्ट्रेलियन वाली होती है 45 मीटर पर मिनट की स्पीड से रन करती है। तो ये आपने यहां देख रहा है कि द सीरर कट्स कोल एंड लोड्स इट इन ऑन टू द आर्मर्ड फेस कन्वेयर। तो सीरर कोयला काटता है, लोड करता है कहां पर, आर्मर्ड फेस कन्वेयर जिसको आप AFC कहते हैं, ऑन विच इट सीरर इज माउंटेड, जिस पर कि वो सीरर माउंटेड रहती है। द सीरर इज माउंटेड ऑन स्कीड प्लेट, सीरर जो माउंटेड होती है स्कीड प्लेट पर माउंटेड होती है, प्रोवाइडेड विथ बियरिंग पैड्स, जो बियरिंग पैड्स के साथ प्रोवाइडेड रहती है, विच रेस्ट ऑन द AFC, जो रेस्ट करती है AFC के ऊपर। द मशीन कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट, जो तीन यूनिट में पूरी मशीन को बांटा गया है, कटिंग यूनिट जिसको गियर हेड भी कहते हैं, जो कटिंग यूनिट मैंने आगे और पीछे पांचवा नंबर रेंजिंग ड्रम के साथ कटिंग ड्रम लगी रहती है, तो वो जो है कटिंग यूनिट या गियर हेड कहलाती है। और द हॉलेज यूनिट, दूसरी यूनिट जो होती है हॉलेज यूनिट कहलाती है या कंट्रोल यूनिट कहलाती है, और तीसरी यूनिट जो होते मोटर यूनिट कहलाती है। यहां पर अगर इस पिक्चर में आप समझने का प्रयास कीजिएगा तो जो फेस के पास ये कटिंग करने का काम करती है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो है 1.5 मीटर हाइट आपको दिखाई दे रही है कि ये फ्लोर से 1.5 मीटर हाइट तक का फेस को कटिंग करने का काम करती है। कौन, जो रियर कटिंग ड्रम होती है वो, इसके साथ एक कॉल लगी हुई है COWL कॉल, जिसको पावर कॉल के नाम से आप जाने थे, और ये जो है कटिंग ड्रम है जिसमें क्रॉस जैसा जो दिखाई दे रहा है ये आपके कटिंग पिक्स है, तो ये आपकी रियर यूनिट के नाम से आप जान रहे थे। उसी तरह से यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो फ्रंट ड्रम होती है, जिसको आप फ्रंट कटिंग ड्रम अगर कहें या फ्रंट हेड यूनिट कहें, तो इसमें जो है 2.1 मीटर का आपको कटिंग हाइट, मैक्सिमम सीम हाइट आपको दिखाई दे रहा है, जो कि सिंगल मोटर वाली जो डर्ड होती है, जो विथ इंडेड ट्रैक्शन यूनिट, जो कि इंड माउंटेड ट्रैक्शन यूनिट रहती है, उसके लिए दिखाई जा रही है, जिसकी जो एक ड्रम के शाफ्ट से दूसरी पीछे वाली ड्रम के शाफ्ट के बीच की दूरी जो है 7.2 मीटर की लगभग रहती है। और जो यहाँ पर जो ट्रैक्शन यूनिट आपको 4 नंबर दिखाई दे रहा था, जिसको गियर हेड बॉक्स से गियर हेड बॉक्स के बीच की दूरी जो है 4.79 मीटर, यानी लगभग 4.5 मीटर लंबाई की रहती है। अब यहाँ पे सिंगल मोटर डर्ड विथ मिडास यूनिट का जो यहाँ पर दिखाया गया है, इंड माउंटेड ट्रैक्शन यूनिट में, जिसकी हाइट जो है 3.2 मीटर तक का कोयले को, ये इसका पोजीशन अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो इसकी हाइट को बढ़ा करके यहाँ तक के हाइट तक हम कोयले को कटिंग करने का काम 0.6 मीटर वेव लेते हुए कर सकते हैं।
तो ये जो है जो ड्रम डायमीटर बताई जा रही है ये 1.8 मीटर की है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी आप ये ड्रम डायमीटर की बात कर सकते हैं कि 1.5 मीटर की है। तो ये जो रियर ड्रम जो होती है वो 2.4 मीटर हाइट तक का कटिंग करने का काम करती है, और जो फ्रंट ड्रम होती है वो 3.2 मीटर के हाइट का कटिंग करने का काम करती है। तो ये कन्फ्यूगरेशन देखे कटिंग का, जो देखे जो आपकी मिडास यूनिट होती है जो 9.37 मीटर लंबाई का जो रहती है सेंटर टू सेंटर, यानी कि शाफ्ट के सेंटर से जो कटिंग ड्रम की शाफ्ट होती है उनके दोनों बीच के शाफ्ट के सेंटर के बीच की दूरी 9.37 मीटर होती है। तो ये आपने कन्फ्यूगरेशन देखा जो कि वर्किंग की तरह आप लोग इसको समझे कि किस तरीके से कितना हाइट का कटिंग करती है। तो ये चीज आपने देख लिया, फिर ये पिक्चर तो देखा ही आपने। तो यहां पर अगर मैं दिखाना चाहूं जो कटिंग यूनिट थी इसको मैं अगर छोटा करके दिखाने का प्रयास करूं तो यहां पर आपको मिलेगी क्या चीज, इसकी जो डिटेल्स है जो मैं पहले भी बता चुका हूं यहां पर वो आपको मिलेगी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन लेस टू द मॉडल AM500 मैन्युफैक्चर एंड एंडरसन स्टेथलाइट दुर्गापुर में जो कोलेबरेट होकर के ऑस्ट्रेलियन कंपनी से जो बनती है, जिसकी कटिंग यूनिट की बात की हुई है। कटिंग यूनिट में मैं अगर इसको बड़ा कर दूं जो आपको दिखाई देगी अच्छे से, इसको स्लाइड शो के तहत पहले बड़ा कर देता हूं, उसके बाद जो है इसकी और जो है हम लोग चर्चा करते हैं। तो आपको दिखाई दे रही होगी कटिंग यूनिट में कि क्या कह रहा है कि इट हाउसेस ए स्पेशल गियर बॉक्स। ये जो कटिंग यूनिट होती है स्पेशल गियर बॉक्स को हाउस करके रखती है विच ड्राइव से होरिजेंटल शाफ्ट। जैसा मैं दिखाया था कि ये जो है यहाँ पर होरिजेंटल शाफ्ट जो है ये ड्राइव करती है, होरिजेंटल शाफ्ट इसके अंदर रहती है जो अपनी कटिंग यूनिट रहती है उसके साथ। तो यहाँ पर ये इट हाउसेस ए स्पेशल गियर बॉक्स विच ड्राइव्स ए होरिजेंटल शाफ्ट प्रोजेक्टिंग टूवर्ड्स द फेस, जो कि फेस की ओर प्रोजेक्ट करती है। शेयरिंग ड्रम और शेयरिंग डिस्क लेस्ड विथ कटर पिक्स, जो शेयरिंग ड्रम या शेयरिंग डिस्क जिसको कहा जा रहा है वो लेस्ड होती है कटर पिक्स के साथ, आर माउंटेड ऑन द एक्सटेंशन ऑफ द शाफ्ट, जो कि शाफ्ट के एक्सटेंशन पर माउंटेड रहती है ये शेयरिंग पिक्स और कटिंग पिक्स। द शेयरिंग ड्रम कैन बी रेज्ड और लोअर्ड इन ए वर्टिकल प्लेन। शेयरिंग ड्रम को हम रेज्ड और लोअर्ड भी कर सकते हैं वर्टिकल प्लेन में विथ द हेल्प ऑफ ए बूम, जो कि बूम के सहायता से करते हैं जिसको अरेंजिंग आर्म भी कहते हैं, फॉर कटिंग एट वेरियस साइड, जो कि वेरियस साइड पर कटिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एंड इज देयर फोर नोन एज अ रेंजिंग ड्रम, जिसके कारण से जो पांचवें नंबर में पार्ट में हम लोग देखे कि रेंजिंग ड्रम के नाम से जाना जाता है। दे मे बी जस्ट वन रेंजिंग ड्रम एट वन इंड, अगर एक इंड में मशीन के एक इंड में केवल एक रेंजिंग ड्रम है, विच इज देन नोन एज द सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयर, तब उसको जो है सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयर के नाम से जाना जाता है। या देयर मे बी टू रेंजिंग ड्रम, यदि दो रेंजिंग ड्रम उसके साथ हैं, वन एट इच इंड, प्रत्येक के मशीन के प्रत्येक इंड में एक एक अगर रेंजिंग आर्म लगा हुआ है, रेंजिंग ड्रम लगी हुई है, तो उसको जो है क्या कहते हैं, विच इज देन कॉल्ड डबल एंडेड रेंजिंग ड्रम शेयर, डर्ड शेयर के नाम से जाना जाता है। दिस अरेंजमेंट ऑफ वन ड्रम एट इच इंड इन ए डर्ड शेयर परमिट्स कोल कटिंग एज वेल एज लोडिंग ऑन द कन्वेयर व्हेन द मशीन इज ट्रेवलिंग इन आइदर डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में जब ये ट्रेवलिंग करती है। मैं थोड़ा सा और अगर बड़ा करूं तो और आप अच्छे से जो है इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो आइदर डायरेक्शन में जब मशीन मूव करती है, आगे मूव कर रही होगी राइट साइड में, तो वो राइट साइड में कटिंग करते हुए आगे की ओर जाती है और पीछे फिर डिप साइड में भी मूव करके वो कटिंग करने का काम करती है। तो यहाँ पर आप ये जो बाई डायरेक्शनल, सच बाई डायरेक्शनल मशीन इज स्पेशली एडवांटेज वेयर द नेचर ऑफ द रूफ इज सच दैट स्पीडी इरेक्शन ऑफ रूफ सपोर्ट इज एसेंशियल।
तो ये जो बाई डायरेक्शनल मशीन होती है किसके लिए, जो हमारी डर्ड सीरर होती है जिसको हम लोग बाई डायरेक्शनल मशीन भी कहते हैं, तो ये जो है स्पेशली एडवांटेज कहां पर होती है, जब रूफ का जो नेचर होता है वो ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी आपको सपोर्ट को इरेक्शन करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, तो उस केस में आपका ये जो बाई डायरेक्शनल मशीन जिसको आप डर्ड सीरर के नाम से जानते हैं उसका उपयोग आप कर सकते हैं। तो यहां पर जो झांझरा और झांझरा ECL का झांझरा माइंस में और साथ ही BCCL के मुनिडी माइंस में ये सक्सेसफुली चल रही है। द डर्ड सीरर हैज इट्स गियर हेड ऑफ द सेम टाइप एज द सर्ड सीरर। जो गियर हेड होती है डर्ड सीरर की वो सर्ड सीरर के जैसे ही रहती है, परमिटिंग इंटरचेंजेबिलिटी, जो परमिट करती है बदल सकते हैं उसको आप। द मिनिमम ड्रम डायमीटर इन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ AM500 सीरीज वेरीज फ्रॉम 1.370 मीटर टू दी 1.65 mm, या मीटर में आप लेंगे तो 1.65 मीटर कहलाएगी। तो यहाँ पर एक मॉडल जो बताई जा रही है AM500 सीरीज जो करती है वो ड्रम की जो डायमीटर है उसकी 1.37 से 1.65 मीटर की होती है, एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग रीच जो उसकी पहुँच होती है इन mm में, टर्निंग जिसको जो है ट्रूनियन और साफ्ट सेंटर से, साफ्ट टेंशन से जो ट्रूनियन ऊपर तक जो पहुंचती है वो 0.998 मीटर से लेकर 2.776 मीटर तक आप इसको ट्रूनियन यानी कि हाइटेड कर सकते हैं, कटिंग उससे करा सकते हैं। द कटर ड्रम्स आर फिटेड विथ हेलिकल वेंस। तो जो कटिंग ड्रम होती है वो हेलिकल वेंस के साथ फिटेड रहती है, हेलिकल वेंस के साथ फिटेड है टू असिस्ट द लोडिंग ऑफ कट मटेरियल एंड डस्ट सप्रेशन वाटर इज फेड थ्रू द इंटरनल ड्रिलिंग इन द ड्रम शाफ्ट एंड द ड्रम टू जेट ऑन द वेंस। वेंस के ऊपर पानी का प्रेशर डाल करके डस्ट को सप्रेस्ड करने का काम किया जाता है ताकि डस्ट कम उड़े, विजिबिलिटी ऑपरेटर का प्रॉपर बने रहे और वो आराम से काम करते रहे। इसी के साथ अगली लाइन में आपको गैस से रिलेटेड सावधानी के लिए असेंबली लगी रहती है, देखिए पढ़ते हैं क्या कहता है। ए हॉलो शाफ्ट वेंचुरी सिस्टम वेंटिलेट्स द, तो यहां पर एक हॉलो शाफ्ट वेंचुरी सिस्टम लगी रहती है, वो क्या करती है हॉलो शाफ्ट वेंचुरी सिस्टम, वो जो है वेंटिलेट करती है द फेस साइड ऑफ द कटिंग ड्रम को, जो कटिंग ड्रम का जो फेस साइड है उसको वेंटिलेट करती है टू डाइल्यूट एनी एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस। अगर एक्यूमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेबल गैस, इन्फ्लेमेबल गैस की जमावट होती है तो उसको जो है डाइल्यूट करने का काम करती है, कौन सी हॉलो शाफ्ट वेंचुरी सिस्टम। तो ये आपने देखा द थिकनेस ऑफ द सीम सूटेबल फॉर ए डर्ड सीरर, जो डर्ड सीरर होती है उसके लिए जो थिकनेस होती है सूटेबल हमारे देश में, जो कि फिगर में दिखाई गई है, जो मैं फिगर में पहले भी बताया था कि 3.2 मीटर तक का आगे वाली और 2.1 मीटर तक का पीछे वाली ड्रम जो है फ्लोर से 2.1 मीटर तक का और रूफ से आगे वाली ड्रम 3.2 मीटर तक के हाइट को कटिंग करने का काम कर सकती है। सिंगल एंडेड सीरर द मैक्सिमम सीम थिकनेस इज 1.37 मीटर। तो हमारे देश में जो सिंगल एंडेड रेंजिंग ड्रम सीरर होती है उसकी कोल की सीम की थिकनेस अधिकतम 1.37 मीटर तक कोयला को काट लेती है। तो आपने ये देखा, आखिरी पैराग्राफ देखिए कि क्या कहते हैं डीजे देशमुख साहब। तो इसमें जो है, सॉरी, जो डीजे देशमुख साहब कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ट्रेवल ऑफ द मशीन, यानी कि जब मशीन ट्रेवल करती है लीडिंग ड्रम यानी आगे वाली ड्रम कट्स एट द रूफ लेवल एंड द ट्रेलिंग ड्रम एट द फ्लोर लेवल। कहने का मतलब कि लीडिंग ड्रम आगे वाली जो ड्रम होती है वो मशीन को कट, मशीन की जो आगे वाली ड्रम होती है लीडिंग ड्रम जिसको कह रहे हैं वो रूफ के पास के कोयले को कट करती है और ट्रेलिंग ड्रम जो होती है वो नीचे वाले फ्लोर के पास के कोयले को जो कि सीम थिकनेस का आधा काटने का काम करती है एट द फ्लोर लेवल। द ऑपरेशन ऑफ सीयरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम वन एंड ऑफ द लॉन्ग वाल फेस। लॉन्ग वाल फेस, जब वर्किंग की क्लास में मैं आपको लॉन्ग वाल फेस इसकी जहां तक है आपकी लोडेड है मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल में, आप सर्च कीजिएगा लॉन्ग वॉल माइनिंग ऑन मिश्रा सर माइनिंग
क्लास, तो उसमें जो है उसकी प्रोसेस जो किस तरीके से कोयला कट करती है शेरर, कैसे मेन गेट से टेल गेट में जाती है, मेन गेट से 30 मीटर हाइट तक, जो 30 मीटर दूरी तक जो राइज रोडवे में मेन गेट डिप साइड में मेन गेट रहती है और राइज साइड में जो टेल गेट रहती है, जिसके बीच जो डिस्टेंस होती है फेस की लंबाई लगभग 150 से 150 मीटर के बीच में जो होती है, उसमें से 30 मीटर जो होती है मेन गेट से 30 मीटर तक जो है सियर कट, संप कट और रियर कट, ये दो कट लेते हुए फेस बनाती है और 0.6 मीटर का वो कट करते हुए फिर आगे बढ़ती है और फिर जब टेल इंड तक पहुंचती है तो वहां से फिर वो 30 मीटर दूरी तक फिर से वापस आती है। तो एक पास मेन गेट से टेल गेट तक और टेल गेट से फिर मेन गेट तक जब वापस आती है तो दो पास कंप्लीट करती है और उसको हम लोग बोलते हैं वन साइकिल ऑफ ऑपरेशन। तो इसमें बात कही जा रही है कि द ऑपरेशन ऑफ शेयरिंग स्टार्ट फ्रॉम वन इंड ऑफ द लॉन्ग वॉल फेस, यानी टेल मेन गेट से अगर स्टार्ट कर रही है तो ये वहां से स्टार्ट करती है। द शेयरर ड्रम प्लेस्ड नियर द रू फ्लोर कट्स नियरली हाफ ऑफ द सीम, सीम थिकनेस का हाफ जो है रियर ड्रम काटने का काम करती है एंड द रिमेनिंग ओवर हैंगिंग हाफ ऑफ द कट, जो सीम थिकनेस का जो ऊपर का जो हाफ कट होता है वो अदर रेंज नियर रूफ के पास जो ड्रम होती है उसको कटिंग करने का काम करती है। व्हेन ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, जबकि वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवलिंग कर रही होती है, द शेयरर कट्स फ्रॉम द कोल फेस एज ए स्लाइस ऑफ 0.65 मीटर तक का वेव को कटिंग करने का काम करती है और ये जो है शेयरर जो कट करती है थ्रू द थ्रू